एवरीवन, वेलकम बैक टू शास की दुनिया। सो जो भी मेरे चैनल पर नया आया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक विदाउट ओवन। सो चलते, बहुत इजी है, लेट्स बिगिन। यहाँ पर चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने कोको पाउडर के बदल मैंने ओरियो बिस्किट्स ली है। एक पूरा बिस्किट पैकेट लेना है और मैं इसमें से क्रीम अलग कर ले रही हूँ। सो मैंने सभी बिस्किट्स में से क्रीम अलग कर लिया है। अब मैं इस बिस्किट्स को 1/2 करके इस मिक्सर जार में डाल लूँगी। सो मैंने सारे बिस्किट्स मैंने मिक्सर जार में ऐड कर लिया। अब मैं इसे पीस लूँगी, हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। देखिए, मेरा कोको पाउडर या फिर यानी चॉकलेट पाउडर रेडी है। सो मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर ली है। ये पाउडर शुगर हमें इस चॉकलेट पाउडर में ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 6 to 7 स्पून ऐड किया है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1 फुल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसमें 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क ऐड करना है। और याद रखिए, मिल्क हमें एक साथ नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप इसे मिक्स करना है। मैंने ये पूरे पाउडर सारे मिक्सचर्स को थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी। मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस ऐड कर लूँगी और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। हमें इतना होने तक मिल्क ऐड करके इसे मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पतीला लिया है, उसमें मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। घी से ग्रीस कीजिए ताकि आपका केक अच्छे से बने। तो मैं अपना पूरा बैटर इसमें ऐड कर लूँगी। मैंने अपना बैटर ऐड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालकर प्री हीट करने के लिए रख देना है। 5 to 7 मिनट्स हमें क्लोज करके उसके ऊपर प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने बैटर लिया था वो मैं इसमें रख दूँगी और रख कर हमें इसे 40 to 45 मिनट्स कुक करने के लिए रख देना है। सो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर जो क्रीम्स निकाले थे अलग से, आप उसे निकाल लीजिए एक बाउल में। थोड़ा सा मिल्क ऐड कीजिए और इससे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और चाहे तो आप चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड है, या ऑप्शनल है। सो देखिए, मेरे 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलते चेक करते हैं कि ये बेक हुआ है या नहीं। सो चेक करने के लिए देखिए, ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। तो चलते निकालने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, मैं उसे उल्टा कर निकाल लूँगी। सो फाइनली मेरा केक बेक हो चुका है। थोड़ा सा इधर साइड वाइज ये हुआ है ताकि वो ठीक से नहीं निकला, इसलिए ऐसा हुआ है। तो मैंने जो क्रीम बनाया था वो मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर जेम्स लिए। तो जो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्प्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यह जेम्स से डेकोरेट किया। सो ये मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया है केक बनाना घर पर, वो भी विदाउट ओवन। सो फाइनली मेरा केक रेडी हो चुका है। सो गाइज, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्विक रेसिपी है केक बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।